हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स इन पीएचपी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, किसी भी लोकल वेरिएबल को ग्लोबली कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं पीएचपी में। तो यहाँ से इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पीएचपी का। यहाँ से हम फॉर्म के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि पीएचपी में फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, कैसे डेटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। तो यहाँ से इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स इन पीएचपी। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल या बोल सकते हैं सुपर ग्लोबल एरेज, बेसिकली ये एरे ही होते हैं, वो भी एक एरे भी एक वेरिएबल ही होता है। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स आर प्री डिफाइंड वेरिएबल इन पीएचपी। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो पहले से डिफाइंड होते हैं पीएचपी में, इनको हम खुद से डिफाइन नहीं करते हैं। पीएचपी इनको ऑलरेडी पीएचपी ने ये डिफाइन किए हुए हैं, हम सिंपल इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो प्री डिफाइंड वेरिएबल हैं इनको हम बोलते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो इनकी क्या खासियत है? इन वेरिएबल्स को, दीज वेरिएबल्स कैन बी यूज एनीवेयर इन आवर प्रोग्राम इन एनी फाइल विदाउट कीपिंग इन माइंड द स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है कि इन वेरिएबल्स को, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को, हम हमारे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फाइल में यूज कर सकते हैं, और हमें इसका स्कोप को ध्यान में नहीं रखना है, इनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए इनको ग्लोबल वेरिएबल, जैसे नाम बोल रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल, इनको हम ग्लोबली हमारे प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं या किसी भी फाइल में भी यूज कर सकते हैं बिना हमें इसका स्कोप डिफाइन किए हुए। ठीक है, तो ये होते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। इनमें से कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनका नाम मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है सर्वर वेरिएबल, सेकंड है पोस्ट, थर्ड गेट, फाइल एंड कुकीज एंड सेशन। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हैं जो डॉलर साइन और अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, डॉलर और अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होते हैं। तो ये एरे हैं, बेसिकली ये एरे हैं सारे। ठीक है, तो ये है सुपर ग्लोबल एरेज। तो इनको हम हमारे प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी फंक्शन में किसी भी प्रोग्राम में बिना इसके स्कोप को डिफाइन किए हुए, बिना स्कोप इसके वेरिएबल्स के स्कोप की हमें ध्यान में रखते हुए हम इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्वर वेरिएबल। ठीक है, तो अब मैं ओपन करता हूँ अपना नोटपैड। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वर वेरिएबल। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पीएचपी का टैग डिफाइन कर देता हूँ, और ये सिंपल बने बनाए वेरिएबल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पहले से ये प्री डिफाइंड है, इनको हमें सिंपल यूज करना है। तो सिंपल यूज करना है तो मैं जैसे इको करवा देता हूँ। पहला वेरिएबल है, जैसे हम बात कर रहे हैं सर्वर वेरिएबल की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सर्वर वेरिएबल की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल में ध्यान रखिए कि ये कैपिटल लेटर्स में है। ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स में है, अगर हम स्मॉल में लिखेंगे तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, वेरिएबल्स, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये वेरिएबल्स एक एरे ही होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये डॉलर इस सर्वर नाम से एक एरर है, सॉरी एक एरे है जो ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है। ठीक है, तो इस एरे को हम, इनकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हम की पास करेंगे या एक वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि हमने एरेज में डिफाइन किया था कि की के करस्पोंडिंग जो वैल्यू होती है उसको प्रिंट करता है। तो जैसे यहाँ पर सर्वर एरे की बहुत सारी की हैं, तो मैं यहाँ पर जैसे कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पहली है http_post। ठीक है, ये एक एरे है सर्वर नाम से, जो एरे है ग्लोबल एरे है, इसकी जो की है एक, ये है http_
तो ये की क्या दिखाती है, इसके करस्पोंडिंग क्या शो करेगा, इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो दिखाएगा यहाँ पर नेम ऑफ होस्ट या फिर होस्ट नेम, ये प्रिंट करता है होस्ट नेम यूज, होस्ट नेम प्रिंट करने के लिए या जानने के लिए हम इस सर्वर एरे का यूज करके इसमें HTTP होस्ट जो की है इसका यूज करते हैं। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर हमें होस्ट नेम प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर हमें होस्ट नेम जानना है, जैसे होस्टिंग होती है वेब होस्टिंग, अभी तो हमारे केस में हम लोकल होस्टिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोकल होस्टिंग प्रिंट करेगा। अदरवाइज हमें अगर होस्टिंग पता करना होता है तो हम इस वेरिएबल को यूज करके वो जान सकते हैं। तो इसको जैसे मैं इसका अगर मैं आउटपुट देखना चाहूँ तो मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा लोकल होस्ट, जो कि हम लोकल होस्टिंग यूज कर रहे हैं तो ये लोकल होस्ट यहाँ पर प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हैं, इनकी इस एरे के करस्पोंडिंग बहुत सारी कीज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जो अलग अलग वैल्यूज प्रिंट करती हैं। जैसे मैं एक और यूज कर लेता हूँ, जैसे दूसरी मैं यूज करता हूँ, एक होता है HTTP यूजर एजेंट, ठीक है, यूजर _ एजेंट। ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ये बहुत सारी होती है, तो मैं यहाँ पर 3 या 4 जो भी इम्पोर्टेंट हैं या जो ज़्यादा यूज में आती हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये क्या करती है, ये की क्या प्रिंट करेगी, ये की के करस्पोंडिंग जो वैल्यू स्टोर है वो हमें दिखाता है कि हमारी ब्राउजर की डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स ऑफ आवर ब्राउजर, जो हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसकी डिटेल प्रिंट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको मैं यहाँ पर अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ तो आप देख रहे हैं इसने ये प्रिंट कर दिया है मोजिला या क्रोम, ये पूरा ब्राउजर का नाम है जो इसने प्रिंट कर दिया, जैसे ये क्रोम है, ये इसका वर्जन है जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये पूरा इतना बड़ा जो सारा है जो इस ब्राउजर का नाम है जो इसने इसी लाइन में प्रिंट किया है। अगर मैं यहाँ पर BR टैग का यूज कर लेता हूँ ताकि हमारा आउटपुट थोड़ा अच्छे से शो हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर BR टैग का यूज कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पर भी BR टैग का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ तो ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है, तो हम देख लेते हैं कि ये एरर क्यों शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक की है, वन मिनट मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर हमने इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये तो इसने होस्ट का नाम प्रिंट किया और ये ब्राउजर का नाम, जो इसने ब्राउजर का पूरा नेम है वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। तो ऐसे इनका हम यूज कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मैं और यूज करके बता देता हूँ आपको, जैसे ये होता है यहाँ पर एक होता है सर्वर नेम, ठीक है, server_name, ये क्या करेगा, सर्वर का नाम प्रिंट करेगा, ठीक है। ये हमें सर्वर का नाम, हम कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे केस में अभी लोकल होस्ट है तो यहाँ पर लोकल होस्ट प्रिंट करेगा। सर्वर का नेम जानने के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है remote_AWR, ये क्या करता है, हमें IP एड्रेस प्रिंट करने के लिए काम आता है। अगर हमें IP एड्रेस जानना है कि हम जो भी IP यूज कर रहे हैं, हमारा सिस्टम है उसकी IP क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हम किसी साइट पे अगर हम ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वहां पर वो हमें IP शो करता है, IP शो कर देता है कि आप इस IP को यूज कर रहे हैं या आपके सिस्टम जो है यूज कर रहे हैं उसके IP एड्रेस ये है। तो वो कहाँ से बताता है, वो इसी वेरिएबल का यूज करके हम वो बताते हैं। तो इस तरीके से हम IP एड्रेस भी जान सकते हैं जो कि इस करस्पोंडिंग की के करस्पोंडिंग स्टोर है इस एरिया में। तो ये 4 होते हैं, तो एक और
जैसे एक और मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पर, जो होता है पीएचपी सेल्फ, पीएचपी अंडरस्कोर एसीएलपी सेल्फ। ठीक है, ये क्या करता है, जो हम करेंटली जिस फाइल पे हम वर्क कर रहे हैं उस फाइल का पाथ प्रिंट करता है। ठीक है, जो फाइल हम यूज कर रहे हैं अभी करेंटली, इसका पाथ प्रिंट करेगा। तो अगर मैं इन सब को सेव करके यहां पर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूं, तो आप देख रहे हैं कि ये एरर शो कर रहा है लाइन नंबर 6 में। तो हम देख लेते हैं कि लाइन नंबर 6 में क्या एरर है। यस, यहां पर हम सेमी कॉलन नहीं लगा रहे हैं, तो यहां पर मैं सेमी कॉलन दे देता हूं। ठीक है, सेमी कॉलन दे दिया, और अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि ये सारा यहां पर प्रिंट कर दे रहा है, जो पोस्ट का नाम है, जो ब्राउजर है इसका डिटेल, इसकी एड्रेस, ये ब्राउजर का नेम, ये फिर होस्ट का नाम प्रिंट कर रहा है या सर्वर का नाम प्रिंट कर रहा है, और ये हमारा आईपी एड्रेस है, जो कि लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस होता है 127. जो भी कुछ होता है वो है, ये आईपी एड्रेस है हमारा, लोकल होस्ट के केस में आईपी एड्रेस यही होता है जो प्रिंट कर रहा है, और जो फाइल हम यहाँ पर करेंटली यूज कर रहे हैं उसका पाथ ये यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। लोकल होस्ट के आगे जो पाथ होता है, जैसे हमारा फोल्डर बनाया पीएचपी ट्यूटोरियल, और उस नाम, उस नेम, उसके बाद में index.php फाइल है जिसपे हम अभी वर्क कर रहे हैं, तो उसका पाथ ही प्रिंट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आउटपुट को अच्छे से देखने के लिए या अच्छा व्यू लेने के लिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि होस्ट नेम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्राउजर की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्वर नेम। ठीक है, सर्वर नेम, और यहाँ पर हम लिख देते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाथ, जो फाइल हम यूज कर रहे हैं उसका पाथ। तो अगर अब इन सबको मैं सेव करके इनका आउटपुट देखना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होस्ट नेम जो लोकल होस्ट है, ब्राउजर की इन्फो है जो ये पूरी ब्राउजर की डिटेल यहाँ पे प्रिंट कर देता है, और सर्वर नेम जो है लोकल होस्ट है हमारे केस में, आईपी एड्रेस जो कि ये है, आईपी एड्रेस है हमारे केस में 127.0.0.01, जो भी है उसको ये शो करने का एक दूसरा तरीका है, जो भी लोकल उसका आईपी एड्रेस है उसको ये ऐसे शो करता है। ठीक है, और जो पाथ है हमारी फाइल का वो यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो ये सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं जिनमें आज हमने डिस्कस किया है सर्वर। ठीक है, सर्वर वेरिएबल के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड जो है पोस्ट, ये पोस्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, पोस्ट और गेट, जो कि हमारे फॉर्म में डेटा रिसीव करने के काम में आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं दोनों को, पोस्ट और गेट वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, और पीएचपी में हम देखेंगे कि फॉर्म्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।